गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स में हम लोग लर्न करेंगे हाउ टू हैंडल कंप्यूटर्स हैंडलिंग कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स को कैसे हैंडल करते हैं कंप्यूटर का कैसे रख रखाव करते हैं एंड हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स और कंप्यूटर को हम लोग ऑपरेट कैसे करते हैं उसे स्टार्ट कैसे करते हैं उस पर वर्क कैसे करते हैं और उसे हम लोग लास्ट में शट डाउन कैसे करते हैं ओके okay? सो so, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक लर्न करेंगे वो होगा हमारा बूटिंग। बूटिंग किसे कहते हैं बी डबल आई एन जी बूटिंग। बूटिंग किसे कहते हैं बूटिंग कहते हैं जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का ही प्रोसेस क्या कहलाता है बूटिंग कहलाता है हम लोग इसके डिफिनेशन को लर्न करते हैं बाय रीडिंग प्रैक्टिसेस ओके वी हैव टू स्टार्ट हमें स्टार्ट करना पड़ता है द कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स को हमें कंप्यूटर्स को स्टार्ट करना होता है बिफोर पहले डूइंग एनी वर्क ऑन इट हम इस पर कोई भी काम करें एनी वर्क मीन्स कोई भी काम करें रहे हैं ऑन इट कंप्यूटर पे, अगर हमें कंप्यूटर पे कोई भी काम करें या हमें कंप्यूटर पे कोई भी काम करना हो तो उससे पहले हमें क्या करना होता है कंप्यूटर्स को स्टार्ट करना पड़ता है एंड इट इज कॉल्ड बुटिंग और ये कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही क्या कहलाता है बोटिंग का प्रोसेस कहलाता है तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर्स में बूटिंग क्या होता है वॉट इज बूटिंग तो आप क्या कहेंगे कि वी हैव टू स्टार्ट द कंप्यूटर हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है बिफोर डूइंग एनी वर्क ऑन इट कंप्यूटर्स पे कोई भी काम करने से पहले हमें कंप्यूटर्स को स्टार्ट करना पड़ता है एंड इट इज कॉल्ड बूटिंग और इसे हम क्या कहते हैं बूटिंग कहते हैं ओके okay? चलो नेक्स्ट हम लोग ये लाइन स्किप करेंगे एंड वी विल लर्न फ्रॉम दियर कि द कंप्यूटर मे बी स्टार्टड एंड यूज इन द फॉलोइंग वेज हमें ये लर्न करना है कि कंप्यूटर्स को कैसे स्टार्ट करते हैं और उससे हम कैसे यूज करते हैं तो द कंप्यूटर मे बी स्टार्टड कंप्यूटर को ऐसे स्टार्ट किया जा सकता है एंड यूज और यूज किया जा सकता है एन द फॉलोइंग वेज नीचे दिए गए तरीकों से ओके फर्स्ट इज फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये वर्ड तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए पूरा फ्रेज ही आपको अच्छे से आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले अगर आप मान लीजिए कि स्कूल आना है आपको और आप जल्दी जल्दी से तैयार हो रहे हैं और आपकी मम्मी जो है टिफ़िन पैक करने के अलावा कुछ और काम भी कर रही हैं और आपको देरी हो रही है आपका बस छूट जाएगा तो आप कैसे कहेंगे आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा टिफिन पैक करिए मतलब सबसे पहले क्या करिए आप मेरा टिफिन पैक करिए ताकि हमारी बस ना छूटे ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पुट द प्लग ऑफ कंप्यूटर आप जो कंप्यूटर का प्लग है यहां देखिए ये प्लग जो कंप्यूटर से निकलता है ये वायर और फिर लास्ट में एक प्लग होता है तो इस प्लग को हमें क्या करना होगा ये कंप्यूटर के प्लग को हम लोग सॉकेट में पहले लगाते हैं पुट द प्लग ऑफ कंप्यूटर इंटर द सॉकेट तो सॉकेट में कंप्यूटर के प्लग को लगाइए देखिए ये डैड है और ये अपने बच्चे को लर्न करा रहे हैं कि हमें कंप्यूटर कैसे हैंडल करना चाहिए उसे कैसे स्टार्ट करना है कैसे यूज करना है सो so उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक सॉकेट में प्लग इन करेंगे ओके सेकेंड स्विच ऑन द मैंस फिर आप क्या करेंगे यहाँ से ये जो स्विच है इसको आप ऑन करेंगे स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑन करेंगे यहाँ पे आप देन फिर हम लोग क्या करते हैं कि स्विच ऑन द पावर स्विच ऑफ यूपीएस देखो कंप्यूटर के पास आपके पास ये मॉनिटर होता है यहाँ पे कीबोर्ड्स रखे होते हैं और माउस रखा होता है ये आपका सीपीयू होता है और ये आपका क्या होता है दिस इज़ व्हाट इज दिस दिस इज यूपीएस दिस इज़ यूपीएस ये हम लोगों ने लर्न कर लिया ना कि व्हाट इज सीपीयू व्हाट इज़ मॉनिटर व्हाट इज़ सीपीयू एंड व्हाट इज़ यूपीएस ओके सो सबसे पहले क्या करते हैं फिर हम लोग पहले तो कंप्यूटर के प्लग को इलेक्ट्रिक स्विच में इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड में प्लग इन करते हैं फिर वहाँ से मेनस ऑन करते हैं फिर जब करंट आ जाता है तो पहले हम यू के पावर को स्विच ऑन करते हैं ओके स्विच ऑन द पावर स्विच ऑफ यू फिर जब यू से स्टार्ट हो जाता है फिर नेक्स्ट क्या करेंगे सी के पावर स्विच को ऑन करेंगे जब सी भी ऑन हो जाएगा तो फिर मॉनिटर के पावर स्विच को ऑन करेंगे यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अब जो कंप्यूटर का केबल है उसे इलेक्ट्रिक प्लग में प्लग इन करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड में प्लग इन करते हैं देन वहाँ का मेन स्विच ऑन करते हैं तो अब ये लाइट आती है सबसे पहले यू में फिर आप यू के पावर स्विच को ऑन करते हैं उसके बाद सी के पावर स्विच को ऑन कर देंगे उसके बाद मॉनिटर के पावर स्विच को ऑन करेंगे और फिर जाके आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा स्विच ऑन हो जाएगा चलो प्रोसेस लर्न करते हैं स्विच ऑन द पावर स्विच ऑफ़ यूपीएस फिर हम लोग क्या करेंगे यूपीएस के पावर स्विच को स्विच ऑन करेंगे देन स्विच ऑन द पावर स्विच ऑफ द सी फिर सीपी के पावर स्विच को स्विच ऑन करेंगे बाय दिस द इंडिकेटर लाइट ऑफ द सी पी विल साइन ये देखो रेड कलर का इंडिकेटर लाइन है ये आपका लाइन ग्रीन हो जाएगा ओके देन नाउ स्विच ऑन द मॉनिटर फिर हम लोग मॉनिटर के स्विच को स्विच ऑन करेंगे इसके भी जब स्विच इसमें भी जब आ, ऑन करेंगे ना मॉनिटर को तो ये इसका लाइट भी कैसा हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा सो मॉनिटर हैज़ ऑन ऑफ बटन इसके पास भी ऑन ऑफ बटन होता है ऑन द बॉटम कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन यहाँ पे होता है बॉटम कॉर्नर बॉटम मतलब नीचे तो नीचे की तरफ कॉर्नर में होता है कोने में होता है तो बॉटम ऑफ द बॉटम कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन देन द बटन ऑफ एंड लाइट एंड ग्रीन वेन द मॉनिटर इज ऑन द बटन जो बटन होता है ना बॉटम कॉर्नर में वो कैसा लाइटन इन करता है अप ग्रीन वो हरा हो जाता है वन द मोनीटर इज ऑन जब मोनिटर अपना ऑन हो जाएगा सो so, ये तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इस फिगर को आप लोग देखिए ध्यान से फिर हम क्या करते हैं पहले यहाँ पे प्लग होंगे अब यहाँ पे प्लग नहीं दिख रहा है वो पिछले इमेज में था ऐसे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले करते हैं कि हम लोग सॉकेट में कंप्यूटर के प्लग को प्लग इन करते हैं कर दिया फिर मेन्स ऑन करते हैं सेकेंड प्रोसेस क्या करते हैं मेन ऑन करते हैं अब जब बिजली आ जाती है तो क्या करते हैं पहले यू को हम लोग पावर ऑन करते हैं फिर सी को पावर ऑन करते हैं और फिर मोनिटर को पावर ऑन करते हैं ओके और सबकी लाइट्स कैसे हो जाती हैं ग्रीन हो जाती हैं जब ये सारे लोग ऑन हो जाएंगे तो ग्रीन हो जाएगा इस तरीके से अपना कंप्यूटर स्विच ऑन हो जाता है ओके और फिर हम अपने कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं अब हमें ये लर्न करना है कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इन द कंप्यूटर रूम कि जब भी हमें कंप्यूटर लैब में जाना है आप स्कूल के कंप्यूटर लैब में भी आते हैं तो याद करिए आप लोग क्या क्या करते हैं हमें डूज हमें क्या करना चाहिए एंड डॉन्ट्स डॉन्ट्स मतलब हमें क्या नहीं करना चाहिए इन कंप्यूटर रूम कंप्यूटर रूम में जाने से पहले सो so ये बच्चा देखो क्या कर रहा है ये अपने शूज को क्या कर रहा है आप लोग स्विच को टेक ऑफ करते हैं शूज़ हटा देते हैं अपने जूते चप्पल खोल के और फिर नंगे पैर जाते हैं स्कूल में कंप्यूटर लैब में इनफैक्ट नॉट इन द स्कूल कंप्यूटर लैब में हम लोग कैसे जाते हैं जूता चप्पल निकाल के क्यों जूता चप्पल निकाल के जाते हैं क्योंकि हमारे शूज़ में या फिर हमारे स्लीपर्स में डस्ट लगा होता है धूल लगी होती है तो वो कंप्यूटर लैब में नहीं जाना चाहिए इससे कंप्यूटर क्या होते हैं कंप्यूटर स्लो हो जाता है वो उनका प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है वो लोग बहुत धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में जाके धीरे धीरे खराब भी हो जाते हैं दैट इज़ वाई हमें क्या करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने शूज एंड स्लीपर्स को बाहर ही खोल देना चाहिए सो चलो पढ़ते हैं वी शुड हमें करना चाहिए ओबे द रूल्स हमें ओबे आज्ञा का पालन करना चाहिए द रूल्स रूल्स को पालन करना चाहिए इनफैक्ट वी शुड ओबे द रूल्स हमें रूल्स का पालन करना चाहिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए ऑफ कंप्यूटर रूम कंप्यूटर रूम के नियमों का पालन करना चाहिए टू मेक आवर वर्क ईजी टू मेक बनाने के लिए आवर अपने वर्क काम को ईजी आसान बनाने के लिए एंड कंफर्टेबल और आरामदायक बनाने के लिए दीज रूल्स हैं कौन कौन से हैं? तो योर शूज आप अपने को क्या करिए? करिए, मीन्स प्रवेश करना अंदर जाना तो कंप्यूटर रूम में अंदर जाने से पहले क्या करेंगे रिमूव योर शूज या रिमूव योर स्लीपर्स इन कंप्यूटर रूम कंप्यूटर रूम में अंदर जाने से पहले अपने शूज को रिमूव करिए जैसे ये है देखो टिक भी है सही का निशान ये काम हमें करना चाहिए नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीप योर आइस आप अपनी आँखों को एटलीस्ट लीस्ट टू फीट अवे टू फीट अवे मतलब आपका जो हाथ है ना से ये फिंगर से लेके एल्बो तक ये जितना लेंथ है एटलीस्ट इतनी दूरी तक तो आपको क्या करना चाहिए अपनी ये मॉनिटर से आपकी आँख की दूरी कितनी होनी चाहिए एटलीस्ट टू फीट सो दिस इज सेइंग कि कीप योर आईज आप अपनी आंखों को रखिए कीप मींस रखना योर अपने आइज आंखों को रखिए एट लीस्ट कम से कम टू दो फीट अवे अवे मीन्स दूर दो फीट दूर रखिए फ्रॉम द स्क्रीन कहां से दूर रखना है फ्रॉम द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर मॉनिटर की स्क्रीन से अपनी आंखों को दो फीट दूर रखिए ये भी टिक है ये काम भी हमें करना चाहिए अब एक और ऑप्शन है यहां पे व्हाट इज दिस कि कवर द कंप्यूटर कंप्यूटर को कवर करिए कंप्यूटर को कवर करिए आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क आप अपना काम खत्म करने के बाद फिनिश मतलब ख़त्म करना सो कवर द कंप्यूटर कंप्यूटर को ढक के रखना चाहिए कवर करना मतलब ढक के रखना सो so कंप्यूटर को ढक के रखिए आफ्टर so बाद में फिनिशिंग ख़त्म करने के योर वर्क अपना काम ख़त्म करने के बाद में कंप्यूटर को ढक के रखिए टू अवॉइड अवॉइड मीन्स मना करना डस्ट ताकि उस पर क्या हो डस्ट ना पड़े ओके इसीलिए तो हम लोग शूज भी बाहर निकालते हैं ना रिमूव बिफोर एंटरिंग द कंप्यूटर लैब क्यों टू अवॉइड डस्ट और कंप्यूटर को हमें कवर करके लगना चाहिए देखो इसने कंप्यूटर को कवर पहना दिया क्यों टू अवॉइड द डस्ट डस्ट को अवॉइड करने के लिए नेक्स्ट ये काम तो कभी नहीं करना चाहिए देखो क्रॉस लगा हुआ है क्या काम है डोंट कभी मत कीजिए पुल द वायर जो ये वायर आपने अभी पावर सॉकेट में लगाया था इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगाया था ये आपको कभी पुल कभी नहीं खींचना चाहिए द वायर फ्रॉम द सॉकेट इस सॉकेट से वायर कभी मत खींचिए ऐसे जैसे देखो बच्चे ये खींच रहे कैसे ऐसे नहीं खींचना चाहिए डोंट पुल द वायर फ्रॉम द सॉकेट वैसे भी हमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं खेलना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी इज़ हार्मफुल इन फैक्ट ओके इन इन दैट सेंस इलेक्ट्रिसिटी इज़ हार्मफुल सो हम ए डोंट पुल द वायर फ्रॉम द सॉकेट आप कभी भी बिजली के तारों को नहीं खींचे इनफैक्ट घर में भी नहीं खींचे केवल की कंप्यूटर लैब में ही नहीं घर पे भी अगर मम्मी आयरन करते वक्त भूल गई है आयरन को सॉकेट में ही लगा के प्लग इन ही करके भूल गई हैं तब भी आप उसे नहीं खींचे या फिर टी का जो भी आ, ऐसे वायर है उसे भी ना खींचे ओके कभी नहीं करना चाहिए देन अगेन दिस इज डोंट मेक नोएस नोइस मीन्स हल्ला गुल्ला सो डोंट मेक नॉइस हल्ला गुल्ला नहीं करिए हल्ला नहीं करिए इन द कंप्यूटर रूम कंप्यूटर रूम में कभी हल्ला नहीं करना चाहिए जैसे यहाँ पे देखो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं ये लोग पढ़ाई नहीं कर रहे कंप्यूटर रूम में केवल हल्ले कर रहे हैं केवल शोरगुल कर रहे हैं सो डोंट मेक नोइस कभी शोरगुल नहीं करिए इन द कंप्यूटर रूम कंप्यूटर रूम में हमें शोरगुल भी नहीं करना चाहिए एंड दिस इज द लास्ट पेज डोंट ब्रिंग इटेबल्स इटेबल्स मीन्स ईटेबल आइटम्स हम लोगों ने लर्न किए थे ईटेबल्स ई ई टी ईट मीन्स खाना सो ई टेबल्स ऐसी चीज़ें जिन्हें खाई जा सके सो डोंट ब्रिंग ब्रिंग मीन्स लाना सो डोंट ब्रिंग मत लाइए क्या नहीं लाइए ई टेबल्स खाने की चीज़ें एंड ड्रिंक्स पीने की चीज़ें इन द कंप्यूटर रूम कंप्यूटर रूम में हमें खाने पीने की चीज़ें नहीं लानी चाहिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं और फिर हम कंप्यूटर पे काम भी कर रहे हैं ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर खाने की कोई भी चीज़ कंप्यूटर के कीबोर्ड पे पर गिर गई या फिर उसके अदर पार्ट्स पर गिर गई तो उससे क्या हो सकता है वो खराब हो सकता है ओके सो दिस इज़ ऑल्सो क्रॉस क्रॉस साइन मतलब ये काम हमें नहीं करना है दिस इज़ अगेन अ क्रॉस साइन ये काम भी हमें नहीं करना है कौन सा काम है डोंट प्रेस डोंट प्रेस कीज कीज को मत दबाइए ऑफ द कीबोर्ड कीबोर्ड की कीज़ को हार्सली बहुत uh, तेजी से नहीं दबाइए बहुत निर्दयता से नहीं दबाइए ओके सो डोंट प्रेस कीज ऑफ द कीबोर्ड बोर्ड हार्सली जैसे ये देखो एकदम गुस्से में दबा रहे हैं ना तो उसे क्या होंगे ये कीज फिर फंक्शन करना बंद कर देंगे ये वर्क करना बंद कर देंगे सो डोंट प्रेस कीज ऑफ द कीबोर्ड हार्सली अपने कीबोर्ड को कीज को हार्सली प्रेस नहीं करना चाहिए ओके सो दिस इज वॉट वी सुड लर्न अबाउट द हैंडलिंग ऑफ कंप्यूटर्स मैं आप लोगों को एक बात फिर से रिवाइज कराता हूँ वट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वट इज द बोटिंग बोटिंग ऑफ कंप्यूटर मीन्स बुटिंग ऑफ कंप्यूटर मीन्स होता है कि जब हमें कोई भी काम कंप्यूटर पे करना हो तो उससे पहले हमें कंप्यूटर को क्या करना होता है स्विच ऑन करना होता है स्टार्ट करना होता है तो जो स्टार्ट करने का पूरा प्रोसेस है वो क्या कहलाता है बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है पूरा प्रोसेस कंप्यूटर को स्टार्ट करने का तो पहले हम प्लग को सॉकेट में प्लग इन करते हैं फिर मेंस का स्विच ऑन कर देते हैं ये वाला स्विच ऑन कर देंगे ये भी स्विच ऑन कर देंगे फिर क्या करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे यूपीएस को ऑन करते हैं फिर सी को ऑन करते हैं और फिर मॉनिटर को ऑन करते हैं तो इन सारी चीज़ों को ऑन करना कौन कौन से ये इलेक्ट्रिक प्लग को ऑन करना देन यूपीएस ऑन करना दिस इज़ यूपीएस ऑन करना एंड देन सीपीयू ऑन करना एंड देन मॉनिटर ऑन करना ये प्रोसेस क्या कहलाता है बोटिंग का प्रोसेस कहलाता है ओके okay? सो so, अगर हमसे कोई भी पूछे व्हाट इज द बोटिंग प्रोसेस व्हाट इज द बोटिंग इन कंप्यूटर तो हम लोग क्या बोलेंगे वी हैव टू स्टार्ट द कंप्यूटर बिफोर डूइंग एनी वर्क ऑन इट एंड इट इज कॉल्ड बोटिंग ओके सो ये डेफिनेशन हमें लर्न करनी है सो दिस इज इट थैंक यू बाय